जिला प्रशासन के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले और केमिकल बेचने वाले माफिया पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभ्रावा थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर संचालित अग्रवाल लेबोरेटरी एंड केमिकल सप्लायर के नाम से दुकान संचालित करता था। काफी लंबे समय से केमिकल बेचने का कारोबार सोनू अग्रवाल के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में 2018 में सोनू अग्रवाल पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद भी घातक केमिकल बेचने का कारोबार अभी भी संचालित हो रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने उसकी दुकान पर कार्रवाई की तो टीम को 25 किलोग्राम पैक के 10 कट्टे माल्टोडेक्सट्रीन, 50 किलोग्राम डिटर्जेंट के कट्टे, शायद अन्य केमिकल बरामद किया है। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अभा थाना में सुनील उर्फ सोनू अग्रवाल के विरुद्ध धोखाधड़ी घातक केमिकल बेचने की एक FIR दर्ज कराई। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।